इंडिया यूट्यूब चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं आज हम SSC CHSL 2019 का GK प्रैक्टिस सेट 8, जिसके अंदर हम बात करेंगे SSC CHSL के एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर अब तक आपने स्टडी इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और हाँ, नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन बटन क्लिक करना भी ना भूले। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2019 के लिए किस खिलाड़ी के नाम की सिफारिश की गई। इसके चार ऑप्शन है, शिव थापा की, बजरंग पूनिया की, खेताराम की या फिर विजेंद्र सिंह की। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप सभी को 5 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि बजरंग पूनिया की। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2019 के लिए बजरंग पूनिया के नाम की सिफारिश की गई। भारतीय रेसलिंग फेडरेशन ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट के नाम की सिफारिश की है। वहीं भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ ने हीना सिद्धू और अंकुर मित्तल को खेल रत्न देने की सिफारिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 को यूरो 6 ईंधन का संचालन करने वाला पहला शहर कौन बना है। इसके चार ऑप्शन है, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या फिर बेंगलुरु। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि दिल्ली। 2018 को यूरो 6 ईंधन का संचालन करने वाला पहला शहर दिल्ली बना है। दिल्ली देश का पहला ऐसा शहर बना है जहां यूरो 4 मानक ईंधन का प्रयोग बंद कर सीधे यूरो 6 मानक ईंधन को इस्तेमाल किया गया है। दिल्ली NCR क्षेत्र में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर से निपटने के उद्देश्य से राजधानी में पेट्रोल पंप अल्ट्रा स्वच्छ भारत स्टेज 6 ग्रेड ईंधन की आपूर्ति शुरू कर दिया है। यह कदम नई दिल्ली को BS4 ग्रेड ईंधन से BS6 पर लेके आने वाला देश का पहला शहर बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में विचरण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। इसके चार ऑप्शन है, नील आर्मस्ट्रांग, राकेश शर्मा, एलेक्सी लियोनोव या फिर जोहानेस केपलर। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि एलेक्सी लियोनोव। अंतरिक्ष में विचरण करने वाला प्रथम व्यक्ति एलेक्सी लियोनोव था। रूसी अंतरिक्ष यात्री एलेक्सी लियोनोव अंतरिक्ष में विचरण करने वाला प्रथम व्यक्ति था। उन्होंने ये उपलब्धि 1965 में हासिल की थी। अंतरिक्ष से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला इंसान कौन था, यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला स्पेस डॉग कौन सा था, लाइका डॉग। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था, राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष में जाने वाली कल्पना चावला थी। और चंद्रमा पर आदमी भेजने वाला पहला देश कौन सा था, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजोइक एसिड को किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है। इसके चार ऑप्शन है, आसवन के द्वारा, निष्पंदन के द्वारा, निष्कर्षण के द्वारा या फिर ऊर्ध्वपातन के द्वारा। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ऊर्ध्वपातन। बेंजोइक एसिड को ऊर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है। बेंजोइक अम्ल एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। यह हल्के रंगहीन चमकदार क्रिस्टलीय चूर्ण के रूप में प्राप्त किया जाता है। इसका सूत्र होता है C6H5COOH और इसके अलावा इसका गलनांक होता है 122.4 और क्वथनांक होता है 250 डिग्री सेल्सियस। इसका अधिक महत्व का उपयोग खाद्य पदार्थों के परीक्षण में होता है, जैसे कि अचार, मुरब्बे, फल फूलों के रस, शरबत आदि डिब्बे और बोतलों में बंद परिरक्षित आहारों को
सड़ने, किण्वन और खराब होने से बचाने के लिए उनके साथ थोड़ी मात्रा में सोडियम बेंजोइट डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाइयान ने किस शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी? इसके चार ऑप्शन है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। चीनी यात्री फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी। फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था और चीन से रेशम मार्ग पर होते हुए उन्होंने अपने यात्रा वृतांत में रास्ते के मध्य एशियाई देशों के बारे में लिखा है। उनका उद्देश्य यहाँ से बौद्ध ग्रंथ एकत्रित करके उन्हें वापस चीन ले जाना था। उन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन अपने वृत्तांत में लिखा। उनकी यात्रा के समय भारत में गुप्त राजवंश के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का काल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में मलेरिया का पहला टीका किस देश ने लॉन्च किया है? इसके चार ऑप्शन है, अमेरिका ने, चीन ने, अफ्रीकी देश ने या फिर भारत ने। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि अफ्रीकी देश ने। विश्व में मलेरिया का पहला टीका अफ्रीकी देश ने लॉन्च किया है। विश्व का पहला मलेरिया टीका अफ्रीकी देश मलावी में लॉन्च कर दिया गया। ये टीका 5 महीने से 2 साल तक के बच्चों के लिए है और इस वैक्सीन का नाम RTS,S दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने रामायण पर विशेष डाक टिकट जारी किया है? इसके चार ऑप्शन है, भूटान ने, इंडोनेशिया ने, नेपाल ने या फिर फ्रांस ने। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि इंडोनेशिया ने। इंडोनेशिया देश ने रामायण पर विशेष डाक टिकट जारी किया है। भारत के साथ राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे होने पर इंडोनेशिया देश ने रामायण की थीम पर बने विशेष डाक टिकट जारी किए हैं। इन्हें इंडोनेशिया के शिल्पकार पद्मश्री बपक न्योमता नोरता ने डिजाइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बाहुबली की मूर्ति को किस मूर्ति के नाम से जाना जाता है? इसके चार ऑप्शन है, गोमतेश्वर की मूर्ति, उदयगिरी की मूर्ति, बोरोबुदुर की मूर्ति या फिर पावापुरी की मूर्ति। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि गोमतेश्वर की मूर्ति। भगवान बाहुबली की मूर्ति को गोमतेश्वर की मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। इस मूर्ति की ऊंचाई 57 फीट है। गोमतेश्वर की मूर्ति श्रवण बेलगोला में स्थित है और इस मूर्ति का निर्माण गंग वंश के मंत्री चाउंड राय ने 10वीं शताब्दी में कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसके चार ऑप्शन है, पोलो से, नौका विहार से, नौकायन से या फिर निशानेबाजी से। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि नौकायन से। वेलिंगटन ट्रॉफी नौकायन खेल से संबंधित है। नौकायन खेल काफी प्राचीन सदी से खेला जाता है। नौकायन खेल संबंधित और कफ और ट्रॉफिया भी है, उनमें से अमेरिकन कफ याचिन और वेलिंगटन ट्रॉफी भारत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? इसके चार ऑप्शन है, 140वीं, 150वीं, 160वीं या फिर 170वीं। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 140वीं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 140वीं है। अंतरराष्ट्रीय संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 रिपोर्ट जारी की गई।
इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग पिछले वर्ष की तुलना में 2 स्थान गिरकर 140वें स्थान पर पहुंच गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? इसके 4 ऑप्शन है, छत्तीसगढ़ में, गोवा में, झारखंड में या फिर महाराष्ट्र में। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में द्विसदनीय विधानमंडल है। विधान परिषद अथवा लेजिस्लेटिव काउंसिल भारत के उन राज्यों का उच्च सदन है जहां पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है। 2017 तक 7 राज्यों में विधान परिषद की स्थापना की गई, जिसमें कुछ राज्य शामिल हैं जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश आदि राज्य शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव विज्ञान के अध्ययन का एक भाग है? इसके 4 ऑप्शन है, ऑर्निथोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इच्थियोलॉजी या फिर कॉस्मेटोलॉजी। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान के अध्ययन का एक भाग है। एंथ्रोपोलॉजी में जीव विज्ञान, मानविकी और भौतिक विज्ञान की जानकारियों का अध्ययन किया जाता है। मानव विज्ञान के अंतर्गत मानव व मानव समाज का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण क्या घटित होता है? इसके 4 ऑप्शन है, अंतः प्रद्रव्यजालिका, केंद्रक, राइबोसोम या फिर लाइसोसोम। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि राइबोसोम। प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम घटित होता है। राइबोसोम एक जटिल आणविक मशीन की तरह है जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। कुछ प्रोटीन में इन तत्वों के अतिरिक्त आंशिक रूप से गंधक, जस्ता, तांबा तथा फास्फोरस भी उपस्थित होता है। जंतुओं की कुछ कोशिकाएं इनमें से कुछ अमीनो अम्ल तैयार कर सकती है, लेकिन जिनको ये शरीर कोशिकाओं में संश्लेषण नहीं कर पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था? इसके 4 ऑप्शन है, 1925 में, 1927 में, 1930 में या फिर 1935 में। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 1927 में। संसद भवन 1927 में बनकर तैयार हुआ था। संसद भवन की नींव 1921 में रखी गई थी। इसके निर्माण में 6 साल और 83 लाख रुपए का खर्च आया था। 14-15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत में सत्ता का हस्तांतरण संसद के सेंट्रल हॉल से हुआ था। भारतीय संविधान का प्रारूप भी इसी हॉल में तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। हम फिर मिलते हैं हमारे अगले SSC CHSM 2019 के GK प्रैक्टिस सेट 9 में। तब तक के लिए थैंक यू।